बहुत पुरानी बात है। किसी जमाने में एक चोर था, वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह आदमी की आंखों का काजल तक चुरा सकता था। एक दिन की बात है, उस चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी में नहीं जाएगा और अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने नगर का चक्कर लगाया, यह देखने के लिए कि वह कहां पर चोरी कर सकता है। फिर उसने तय किया कि राजा के महल से अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीले इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीले लगा दी। फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने के पास गया और वहां से बहुत सारी हीरे चुरा लाया। अगले दिन चोरी का पता चला तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान और नाराज हुआ। उसने तुरंत ही मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दी जाए और अगर रात के समय कोई घूमता हुआ दिखाई दे तो उसे चोर समझकर तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, उस समय एक नागरिक के भेष में चोर वहीं मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसने फौरन ही यह भी मालूम कर लिया कि कौन से 26 सिपाही शहर में पहरे के लिए चुने गए हैं। फिर वह अपने घर गया और वहां जाकर उसने एक साधु का भेष बनाया और उन 26 सिपाहियों की बीवियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। फिर एक एक करके चोर उन सबके पास गया और उनके हाथ देखकर कहने लगा कि यह रात उनके लिए बहुत शुभ है। तुम्हारे पति की पोशाक में चोर तुम्हारे घर आएगा, लेकिन देखो चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, फिर भी उसके ऊपर जलता हुआ कोयला फेंक देना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। अब तो सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गई। अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। इसी बीच पति अपने पहरे पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा ही था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई न दिया तो उन्होंने सोचा कि लगता है चोर नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने अपने घर चले जाने का फैसला किया। जैसे ही वे घर पहुंचे, उनकी पत्नियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई गई कार्रवाई शुरू कर दी। फल यह हुआ कि सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर को पकड़े।
उस रात कोतवाल तैयार होकर शहर में पहरा देने लगा। जब वह एक गली में जा रहा था तो चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। कोतवाल ने समझा कि कोई लड़की उसके साथ मजाक कर रही है। उसने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम सचमुच चोर हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें काठ के इस संदूक में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वह कोतवाल के साथ काठ डालने की जगह पर जा पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काठ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो। चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, फिर मैं भला क्यों भागूंगा। कोतवाल को भी उसकी बात पर भरोसा हो गया और वह दिखाने लगा कि काठ कैसे डाला जाता है। जैसे ही कोतवाल ने अपने हाथ पैर उस काठ में डाले, चोर ने झट से चाबी घुमाकर उस काठ का दरवाजा बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम कहकर चलता बना। जाड़े की रात थी, दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमड़ा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काठ में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय कर लिया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातें सुन रहा था। रात होने पर उसने फिर से साधु का भेष बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ गया। अब राजा पहरा देने लगा और दो बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते उसने देखा है। साधु ने जवाब दिया कि वह तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं है। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन यह तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर यहाँ चोर की तलाश में बैठेगा। आपस में काफी बहस और दो तीन बार इनकार करने के बाद आखिर में चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल ही राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में जा पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे के 4 बजने को आए, राजा ने देखा कि न तो साधु लौटा और न कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा। तो राजा ने महल में लौट जाने का निश्चय किया, लेकिन जब वह महल के फाटक पर पहुंचा तो सिपाहियों ने सोचा कि राजा तो पहले ही आ चुका है, हो न हो यह जरूर ही चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने बहुत शोर मचाया पर किसी ने उसकी एक न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाला सिपाही राजा का चेहरा पहचान लिया और तुरंत दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला। फिर राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में ले गया।
उधर चोर जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया था, सूरज की पहली किरण फूटते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो वह बहुत ही खुश था और उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। हर बार की तरह इस बार भी चोर वहां मौजूद था। वह फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज मैं ही आपका अपराधी हूँ। और सबूत के तौर पर उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वह सब उसके सामने रख दिया। साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी था। राजा ने इनाम में उसे 5 गांव दिए और वादा कराया कि वह आगे चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद से चोर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।